जय जय जगन्नाथ। देख सकते हैं हमारा प्रभु जगन्नाथ देव का हाँ रथ है, रथ देख सकते हो, रथ हमारा। तो हेलो गाइस, हम लोग अभी ब्लॉग करने जा रहे हैं चित्रकला मेला मैदान दुर्गापुर का। तो मेला का लाइव स्ट्रीम क्या है वो दिखा रहा है। देखिए मेला में हम लोग का ऐसा बारिश हुआ था सुबह में। हाँ, ये रात का सीन है, देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा सर्कस एकदम पीछे में, मेला का पीछे में ये देख सकते हो। यहाँ पे छोटे बच्चे लोग के लिए सर्कस भी है। मेला का लाइफ स्टाइल बोले तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। हाँ, सुबह में बारिश का पानी, रात में मेला, हाँ बाहर से आया भाई लोग का जिंदगी, ये लेके एक अनोखा स्टोरी तैयार हो चुका है। देख सकते हो कितना मेहनत करता है सभी लोग, छोटा भाई या बड़ा भाई। ये हमारा प्रभु जगन्नाथ का मंदिर, जय जगन्नाथ। पोला में देख सकते हो, पोला में डोनेशन भोग का लिए डोनेशन भोग देख सकते हैं। इधर चोर की है, बचपन में मैं भी खेला करता था और ये सब सामान है बच्चे लोग का, मैं भी ऐसे बेचता था देख सकते हो। डुगडुगी है, मैं भी तो अभी हैंडीकैप है, क्या करे चल नहीं पाता। हाँ, थोड़ा ब्लॉग व्लॉग बना रहा है। तो भैया जी देखिए सुबह सुबह आपका फैमिली चलाने के लिए ये सब बना रहा है। हाँ देख सकते हो कितना मेहनत कर रहा है, बहुत दूर से आया। तो मैं और एक चीज दिखाता, ये हमारा प्रभु जी जगन्नाथ का रथ मंदिर है। ये जगन्नाथ जी का रथ मंदिर है, सामने के जाके दिखाता चलिए। देख सकते हो रात में जब बारिश हुआ था तो इधर बहुत दिक्कत है, ये लोग का अंदर पानी आ जाता है, सोने में दिक्कत होता है। ये हो गया गोल्डन काला रथ जगन्नाथ देव का, देख सकते हो कितना अच्छे से बनाया। तो गाइस देख सकते हो ये रथ मंदिर का एरिया है, इधर रथ है और इधर चारों तरफ दुकान है। तो शाम के टाइम में इधर बहुत आदमी लोग रहता है, इधर जाने का भी स्पेस नहीं रहता, इतना भीड़ रहता है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे बड़ा बड़ा दुकान है, कपड़े का दुकान है। तो आप लोग जरूर मेला में आइएगा। हेलो गाइस, देख सकते हो छोटा लेडीज बच्चे लोग का लिए, लड़की लोग का लिए हॉट पेन है, ये सिर्फ 100 रुपए में मिल रहा है। देख सकते हो कितना सस्ता में है, 100% कॉटन का कपड़ा है। हाँ, थ्री क्वार्टर जिसको बोलते हैं। ये भी देखो 100 रुपए में, छोटा लड़की लोग का लिए कितना सस्ता में है मेला में, और कॉटन कपड़ा है। हाँ, गर्मी का सीजन में कॉटन कपड़ा है, कितना सस्ता, देख सकते हो मेला का ऑफर। इसी यहाँ पे भी देख सकते हो 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए कपड़ा का पूरा स्टॉल बैठा है मेला में। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे बेडशीट है 300 रुपए से स्टार्ट है, और नाइटी भी है 250 रुपए 200 रुपए से स्टार्ट है, मेला का ऑफर, आप लोग जरूर आइएगा, रात का ऑफर चल रहा है। गाइस इधर देख सकते हो अभी खाली खाली है, परंतु शाम के टाइम इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है क्या बताए। हेलो गाइस, देख सकते हो ये चित्रांगन मेला मैदान है, ठीक है वर्धमान नहीं कहाँ पे है दुर्गापुर, अक्सर मैं भूल जाता हूँ कहाँ पे हूँ। देख सकते हो ये मेला चल रहा है, मेला टू माय चैनल। तो अपनारा এই মুহূর্তে দেখছেন কি মেলা, আমরা এখন মেলার মধ্যে এসে গেছি, দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর ভিড়। এই মুহূর্তে রাত হয়েছে তবু পাবলিক এতটাই ভিড় করে এসেছে, দেখুন এখানে নাগরদোলনা সার্কাস সবকিছু এসেছে। তো আপনারা এই মেলা অবশ্যই আসবেন। এটা चलो गाइस, देख सकते हो अभी मेला पूरा घूम रहा है, तो दाढ़ी भी बड़ा हो गया, अभी सैलून ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे सैलून है। तो चलिए सैलून में जाएंगे। गाइस ये मेला का ऑफिस है, देख सकते हो पुलिस ऑफिस है। यहाँ पे आपका बच्चे खो गया या चाबी का रिंग खो गया तो यहाँ पे जरूर आइएगा, ठीक है यहाँ पे मदद मिल जाएगा। तो गाइस देख सकते हो मेला में कितना कचरा जमा हो गया, सकते हो भाई लोग कितना मेहनत कर रहा है देश के लिए, अपना शहर के लिए। भैया कचरा में सोना मिला क्या, सोना या पैसा या पिस्तौल, बहुत कुछ मिलता है कभी कभी, है ना। देख सकते हो क्या कितना मेहनत करता है ये लोग का, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। हाँ, हम लोग कचरा करता है ये लोग साफ करता है, देख सकते हो क्या जिंदगी है। गाइस देख सकते हो रात में भारी बारिश हुआ था, ठीक है बारिश का टाइम है। तो गाइस अभी लिप लेंगे, ठीक है लिप 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 लिप, मदद करो, रुको रुको। तो ऐसे ही गाड़ी का मदद, बाइक का मदद लेके आगे चलता है। तो देखते हैं कौन मेरे को उठाता है, बाइक वाला या कार वाला, क्योंकि सेलिंग मेरे को मालूम नहीं कहाँ पे सेलून तक जाना है, तो सेलिंग करना है। भैया मेरे को मदद करो, लिप कैसे मांगते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी आएगा तो ऐसे करेगा या फिर ऐसे करेगा, हेल्प हेल्प हेल्प, आगे जाना है, हेल्प हेल्प। परंतु ऑर्डिनरी जिंदगी में इतना मदद आसानी से मदद नहीं मिलता, कभी कभी घंटों भी लग जाता है।
क्योंकि मैं भिखारी हूँ, देखने में कपड़ा फटा उठा है, देख सकते हो पैंट भी फटा है, गार भी फटा है, और मेरे को कौन लगा ली? हेल्प हेल्प हेल्प। तो बरागरी का तो आशा छू ही दो, बरागरी तो उठाएगा नहीं, सोचेगा साला ये हमको लूट लेगा, ऐसा सोचेगा। और हैंडीकैप है क्या करे, इसके अलावा तो कर ही नहीं सकता। ऐसा ही मैं मदद लेके लेके आगे चलता है। ऐसा वीडियो मैं आज की पहली बार बना रहा है, पहले बना रहा ही नहीं, आपको दिखा रहा है कैसे मदद मांगना चाहिए। ऐसा करके मदद मांगो या फिर ऐसा करके मदद मांगो, ठीक है? एक भाई सोच रहा है किसके साथ बात कर रहा है, पागल है क्या? क्यों मैं नेपाल से इतना दूर आया, सबका मदद और प्यार लेके, कोई ना कोई तो मदद किया, ऐसे तो नहीं थे कोई भी मदद नहीं किया, कोई ना कोई किया। और टाइम लगेगा, ये वीडियो इतना ही एंड कर देते हैं, फोन उठाएगा नहीं उठाएगा तो बाद में मेरे को मदद मिल ही जाएगा, है ना? सब कुछ तो दिखाना जरूरत नहीं है ना, सबको दिखा दिया, कितना टाइम हो गया, इतना आसान से मदद नहीं मिला। तो गाइस इधर मेला हो रहा है और मेरे को जाना है उस टावर का उधार, उस तरफ सैलून होगा, मेरे को जितना लोकेशन में मालूम चल रहा है, तो उस तरफ कैसे जाएंगे देखता है, किसी का मदद मिलता है नहीं। देखिए दुनिया भी बड़ा है और रास्ता भी बड़ा है, परंतु मंजिल छोटा छोटा मंजिल पाना जाना मुश्किल है, ठीक है? तो गाइस देख सकते हो एक गांव हो गया, हाँ इसका टीना देख सकते हो मिट्टी का बना हुआ है टीना, इधर भी टोटो चलता है, तो छोटा सा एक गांव है इधर, मेरे को शायद सैलून मिल जाएगा, देखते हैं आगे जाके। हाँ मैं भी गरीब हूँ, ये लोग भी इधर गरीब है, चलो गरीब गरीब का ही दोस्त होता है। गाइस लिफ्ट तो नहीं मिला, तो इतना दूर आई है, पहुंच गया टावर का इधर। हाँ थोड़ा पैदल चल चल के देख सकते हो, मंजिल चाहे जितना दूर हो परंतु हिम्मत चाहिए। थोड़ा बैठ बैठ के इधर आने में 10-15 मिनट लग गया, रेस्ट करके करके आया। गाइस देख सकते हो इधर मेरे को दिख रहा है सैलून, देख सकते हो बहुत मेहनत करके मुश्किल करके इधर पहुँच गया। हाँ पैर ठीक नहीं, ऊपर से चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो गाइस देख सकते हो कितना मुश्किल है चलने का, फिर भी बहुत थक थक के बहुत मुश्किल से आगे जा रहा है। तो गाइस जिंदगी का सफर बहुत मुश्किल होता है, चलने में दिक्कत है तो भी किया, थोड़ा थोड़ा करके आगे जा रहा है, तो आखिर मेरे को सैलून मिल ही गया। तो भाई ये कहाँ पे जगह है, जगह का नाम है दुर्गापुर बीजन दाबिट मोर। तो सैलून मिल गया, चलते आगे जाके। तो गाइस देख सकते हो ये सैलून हो गया, सैलून सैलून में बहुत भीड़ है, अभी वेट कर रहा है। जिंदगी में तो वेट करते करते बहुत टाइम बिता दिया, अभी क्या करें, और भी वेट करो। और वीडियो भी बहुत सारे जमा हो गया, ठीक से एडिट नहीं कर पा रहा, एडिट करने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए शॉर्ट ही चल रहा है। तो आप लोगों का बहुत मदद किया, प्यार दिया, लाइक किया, आप लोगों का मदद से इतना दूर आ सका, नेपाल से लेके कलकत्ता आ गया, आप लोग बहुत हेल्प किया, खाना दिया, रहने दिया, पैसा दिया, तो हैंडीकैप है क्या करे, फिर भी आप लोग बहुत मदद किया, तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप लोगों को अच्छा रखे, इसका वजह से वजह मैं आज इतना दूर आ सका, तो ये मेरा दोस्त से भी बड़ा सामान है, ठीक है? चलने में दिक्कत है फिर भी इतना दूर आ गया, क्योंकि नहीं घूमेंगे तो मेरे को, ट्रैवलिंग नहीं करेंगे तो मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, और विदाउट ट्रैवलिंग पैसा खाना कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि घर में तो कुछ मिलता ही नहीं, सब जगह जमीन दखल कर लिया, अभी मैं तो भिखारी बन गया। तो इतना दूर आया और भी आगे जाएंगे, तो ये वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस अभी मैं दाढ़ी सेव करेगा, जीरो से हीरो बन गया, अभी मेरे को सब आदमी इज्जत से बात करेगा, भिखारी और गरीब नहीं करेगा, और सब मेरे को हेल्प करेगा। दुर्गापुर चित्रलाल मेला मैदान, तो इधर पे किले से यहाँ पे आया, सैलून में काट दिया, दाढ़ी कितना अच्छा लग रहा है ना, अक्सर मैं टाइम नहीं पाता, भूल ही जाता हूँ दाढ़ी काटने का। तो ये पीपल का पेड़ है, यहाँ पे बैठ बैठ के अभी हाँ वीडियो एडिटिंग करेगा, बाद में मेला जाएंगे, हाँ मदद उठाएंगे यानी भीख मांगेंगे, क्योंकि इसके अलावा तो मेरा कोई चारा नहीं है, पैसा नहीं है पॉकेट में, क्या करे, गरीब है।